महज 2.5 मिनट की जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले भारतीय मूल के सीईओ विशाल गर्ग ने कर्मचारियों के साथ किए गए अपने गलत बिहेवियर को लेकर अपनी ही कंपनी के 900 कर्मचारियों से माफी मांगी है। उन्होंने कंपनी की वेबसाइट पर अपना माफीनामा लिखकर पोस्ट किया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वो अपने फैसले पर अभी भी कायम हैं। एक खबर के मुताबिक अमेरिकी कंपनी Better.com के सीईओ विशाल गर्ग ने पिछले हफ्ते जूम मीटिंग के समय में एक ही झटके में अपनी कंपनी के 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। बता दें कि विशाल जूम पर अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने 900 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का ऐलान कर दिया था। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के लिए बेहद तल्ख शब्दों का प्रयोग किया था। यही कारण है कि वो तब से लेकर अब तक चर्चाओं में बने हुए हैं और तभी से उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है। अपनी इतनी निंदा होने के बाद से अब विशाल गर्ग ने निकाले गए कर्मचारियों से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा, मैंने जिस तरह से इस पूरे मामले को संभाला उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं प्रभावित हुए लोगों और कंपनी के प्रति उनके योगदान का सम्मान करने और प्रशंसा जाहिर करने में विफल रहा। साथ ही कहा कि कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला मेरा था, लेकिन इसे सही ढंग से कम्युनिकेट करने में मैं नाकाम रहा और मुझे इसका बेहद ही अफसोस है। बता दें कि हैरानी वाली बात तो ये है कि बतौर सीईओ विशाल गर्ग ने अपने कर्मचारियों के लिए बहुत धीरे धीरे काम करने वाले सहित कई चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन शब्दों पर कर्मचारियों ने भी नाराजगी जताई थी। सोशल मीडिया पर अपने इस बिहेवियर के लिए गर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब माफी मांगकर उन्होंने मामले को खत्म करने की कोशिश तो जरूर की है। उन्होंने कहा है कि मुझे एहसास है कि मैंने एक बुरी खबर को और भी बुरे रूप में पेश किया। मैं अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने इस गलती से बहुत कुछ सीखा है। हालांकि अपने फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि बाजार के दबाव को ध्यान में रखते हुए कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं।